नमस्कार साथियों, आज आपके लिए शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। राजस्थान वायरमैन लाइसेंस कैसे बनाएं। दोस्तों, ये लाइसेंस क्या काम आता है और दोस्तों ये कितने का बनता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वायरमैन लाइसेंस होता है। यहाँ पर फोटो होती है, उसके नीचे फ़ोटो के नीचे यहाँ पर साइन होते हैं अपने, और यहाँ पर वायरमैन नंबर होते हैं, परमिट नंबर होते हैं, और यहाँ पर डेट होती है, एक्सपायर डेट होती है। यहाँ पर एड्रेस होता है और यहाँ पर नेम होता है। दोस्तों, ये मैंने ब्लर कर रखा है, इसलिए यहाँ पर एड्रेस और नेम नहीं दिख रहा। यहाँ पर साइन होते हैं और यहाँ पर इसको यूज करने का तरीका होता है कि आपको किस में यूज करना है, गलत यूज नहीं करना है, और आप इलेक्ट्रिसिटी नियम के तहत आप कैसे काम करेंगे, वो यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको आवश्यकता है मेडिकल सर्टिफिकेट ITI की और 10वीं की। 10वीं आप करने के बाद में ITI करते हो तो ITI का इसमें इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड चलता है। वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने ITI की है तो इसको बना सकते हो। बनाने के लिए दोस्तों H फार्म इसमें लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसको बना सकते हो। प्रेशर बंदा भी इसको बना सकता है। दोस्तों, ये काम आता है गवर्नमेंट या PSUs कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी, PSUs रिफाइनरी हुई, और दोस्तों SCL हुआ, जैसे कि SCL रिफाइनरी, उनमें ये चलता है। और दोस्तों, जो पावर प्लांट होता है उसके अंदर भी ये काम आता है, तभी आपको जॉब दी जाती है। वायरमैन लाइसेंस वो आपके पास में ज़रूरी। दोस्तों, इसको कैसे बनाएं, तो यहाँ पर दोस्तों H फार्म इस तरह का होता है। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, सबसे पहले बता देता हूँ इसको कैसे भरें। H फार्म आपको डाउनलोड करके बताऊंगा कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसको देख लें, H फार्म को। सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर करेगा वो मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर जो भी है, वो हाफ में सील लगाएगा और हाफ में साइन करेगा फ़ोटो के ऊपर। इधर आधा आधे के अंदर सिग्नेचर करने और सील लगानी है। यहाँ पर दोस्तों अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने आइडेंटिटी मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पर मैंने ब्लर कर रखा है इसलिए आपको दिख रहा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट है, ये पॉइंट डॉक्टर भरेगा, यानी आपकी हड्डी टूटी नहीं है, कान से बहरे नहीं हो और कलर ब्राइटनेस नहीं है, अच्छा दिखता है, ये सब इसके अंदर यस नो का भर देगा डॉक्टर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये नाम लिखना है इंग्लिश में आपको इसको भरना है पूरे को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो सील लगेगी वो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सिग्नेचर के ऊपर आप यहाँ पर सील लगवाएं, उसके ऊपर ही साइन करें। साइन डॉक्टर का सील के ऊपर होना चाहिए जिस तरह से ये कर रखा है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर सिग्नेचर है, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, जिसका बनवाना है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होना है और डॉक्टर का यहाँ पर सिग्नेचर और सील लगेगी। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखवाएं, डेट यहाँ पर लिखवानी है। बस ये काम आपको करना है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको ये फार्म कहाँ मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस तरह का ये आपको फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्म ए और फॉर्म एच। आपको ये वाला फॉर्म, आपको ये वाला PDF नहीं निकलानी है, पहली फॉर्म ए, आपको ये वाला कंप्यूटर से निकलवाना है फॉर्म एच। सी रूल 82 & 13(3) मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फ़ोटो लगवाना है, उसके बाद में यहाँ पर साइन करने हैं। साइन क्या,
नाम लिखना अपना, उसके बाद में आइडेंटिटी मार्क्स दो लिखने हैं यहाँ पर, इंग्लिश में आप इसको भरेंगे और ये वाले सब डॉक्टर भर देगा, यस या नो जो भी है टिक लगा देगा इस पर, यानी आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आप सुन तो रहे हैं, हड्डी टूटी हुई नहीं है, इस तरह से आप इसमें हैं, सब रीजन है यहाँ पर कलर का है और बहुत सारे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अपना नाम लिखना है, यहाँ पर जिसका भी बनवाना है उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर कर देगा तो ठीक है, नहीं तो आपको टिक करना है यहाँ पर, टू द बेस्ट ऑफ माय जजमेंट ही मेडिकली फिट टू होल्ड लाइसेंस सर्टिफिकेट परमिट, यानी मैं एलिजिबल हूँ इसको बनाने के लिए, मेरे कोई कमी नहीं है, यहाँ पर आपको टिक करना है ए वाले पे। और यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट यही है, सिग्नेचर आपको करानी है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के, और सील भी यहीं लगवानी है। और यहाँ पर कैंडिडेट के साइन होने हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर साइन करेगा, यहाँ न कर दे, इधर न कर दे, यहीं पर होना चाहिए सिग्नेचर और सील, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की लगेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर लिखवा लें और मेडिकल के साइन मेडिकल ऑफिसर और उसकी सील यहाँ पर लगवानी। फ़ोटो के ऊपर यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर फोटो पे आपको मेडिकल ऑफिसर के हाफ फोटो पे साइन और हाफ पे सील ये करवानी है, और इसको लगाने के इसको आपको अपलोड करना है। वो कैसे अपलोड करना दोस्तों, इस तरह से आपको एसोसो खोलनी है, एसोसो आईडी आपकी बनी नहीं हुई है तो आप कंप्यूटर वाले से बनवा ले, मित्र वाले से बनवा ले, सीएससी वाले से बनवा ले, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई भी तभी होगा जब आपकी एसोसो आईडी होगी। एक एसोसो आईडी से एक फॉर्म आप भर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पर ई आईडी का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से ऐप्स निकलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये ई आईडी है, ई आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड एनीवे का ऑप्शन आएगा, इसको आपको आगे बढ़ाना है। और इस तरह से रोल डिस्क्रिप्शन, एसोसो आईडी, सर्विस टाइप, यहाँ पर आपको सर्विस टाइप पे चूज करेंगे वायरमैन, यहाँ से आप सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल भी, सुपरवाइजर माइंस, और कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी और कॉन्ट्रैक्ट डी, इनका भी लाइसेंस बना सकते हो। अभी आपको ये बता रहा हूँ वायरमैन के लिए, वायरमैन यहाँ पर सर्विस टाइप पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस, आपके पास में अगर पहले से मौजूद हो सर्टिफिकेट या लाइसेंस परमिट तो आप यहाँ पर चूज करेंगे। नो आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट परमिट, यानी आपके पास में पहले से बना हुआ है तो यस करेंगे, और नहीं बना हुआ तो नो करेंगे। तो आप यहाँ पर पुराना अगर आपके पास में बना हुआ तो यस करेंगे, जो ऑफलाइन है उसको डिजिटेट करना चाहते हो तो आप इसको यस करेंगे, और नया बिल्कुल नया बनाना चाहते हो तो नो आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट परमिट लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट करना है, ओके। इसको सबमिट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आएगा एडिट एप्लीकेशन टाइप, एडिट एप्लीकेशन टाइप पे आपको जाकर यहाँ पर फ्रेश करना है, यहाँ पर ऊपर है वायरमैन प्रेस और फ्रेश, तो आपको यहाँ पर करना है फ्रेश अप्लाई, यहाँ से नहीं हो रहा दोस्तों, आप यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल कर सकते हो। मैनेज प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह से आएगा, पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, आधार नंबर, ओटीपी, सेंड ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, आधार नंबर आपको लगाना है, ओटीपी भेजना है, सेंड ओटीपी और
यहाँ पर OTP दर्ज करने हैं, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, आधार नंबर लगाते ही नहीं आएगी तो आपको भरना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस आपके पास में है या नहीं तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस को बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर टेक्निकल जाननी है, ITI जो भी आप ITI कर रखी है तो, या डिप्लोमा कर रखा, BTECH कर रखा, जो भी वायरमैन लाइसेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर ITI चूज करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर डिस्पेंसरी जिससे भी हॉस्पिटल से वो आया है उसका नाम लिखना है यहाँ पर हॉस्पिटल का, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा कोटा जो भी है, और वर्किंग इन यानी कि कौन से हॉस्पिटल में वो कर रहा है अभी वर्किंग, नेम ऑफ हॉस्पिटल यहाँ पर, और मेडिकल ID यहाँ पर लगाना, और यहाँ पर हियर बाय डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट टू अंडरटेकिंग इलेक्ट्रिकल वर्क मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय, किसके द्वारा ये इशू किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसके उसका नाम लिखना है यहाँ पर, नेम ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर का नाम यहाँ पर लिखना है, वर्किंग किस पे वर्किंग कर रहा है वो, यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिखना है। यहाँ पे दोस्तों मेडिकल ऑफिसर का नाम या जो भी डॉक्टर का नाम, यहाँ पर नेम ऑफ हॉस्पिटल, और यहाँ पर मेडिकल ID वो आपको लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अटैचमेंट करना है, अपलोड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर ITI का करेंगे, अपलोड मार्कशीट ITI करेंगे, सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना है और मार्कशीट यहाँ लगानी है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप 10वीं का मार्कशीट यहाँ लगाएं, मेडिकल सर्टिफिकेट H फॉर्म यहाँ पर लगाएं, एक्सपीरियंस है तो यहाँ लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। यहाँ पर एग्जिटिंग परमिट सर्टिफिकेट कॉपी अगर आपके है तो आप यहाँ लगाएं, और FIR की यहाँ पर है तो लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगाएं। लेकिन आपको यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट लगाना होगा, एफिडेविट आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ पर लगाना है परमिट सर्टिफिकेट कॉपी इसके अंदर, वो ज़रूरी है, वो आपको भरकर इसमें लगाना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में उससे आप डाउनलोड करें और उसको भर सकते हो। और आगे यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे हियर बाय और सबमिट कर देंगे, उसके बाद पेमेंट कटेगा 586 का पेमेंट कटेगा, तो आपको 586 का पेमेंट कटने के बाद में शायद 15 दिन या 20 दिन 2 महीना लास्ट है, 2 महीने के अंदर बनकर आ जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका 10 दिन भी नहीं लगता, 10 दिन से पहले ही आ जाएगा। तो दोस्तों आपको एफिडेविट के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आपको इसको इस जगह पर आपको अपलोड कर देना है, एग्जिटिंग परमिट सर्टिफिकेट कॉपी टू अपलोड यहाँ पर कर देना है, इसको छोड़ दो, FIR को अगर है तो आप इसको लगा सकते हो, बाहर के कैंडिडेट है तो आप इसको लगा सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको लगाने के बाद में सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद में कुछ दिन बाद में बनकर आपके इसी SSID पर आ जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है आपको ये, और कैसे दोस्तों ये आप इसकी ट्रैकिंग कर सकते हो, बना हुआ कब बनेगा, क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब कुछ बताएंगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी, थैंक्स, धन्यवाद।